हेलो दोस्तों दोस्तों मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लो विद ट्विंस में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम एक नया लीगल टर्म डिस्कस करेंगे जो कि है रिटर्न स्टेटमेंट। मेरे दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने प्लेंट के बारे में पढ़ा था। प्लेंट क्या होती है? प्लेंटिफ कोर्ट में जो सबसे पहले डॉक्यूमेंट देता है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट देता है, उसमें अपनी प्रॉब्लम लिखता है, अपना क्लेम लिखता है कि वो क्या चाहता है कोर्ट से, और वो रिटर्न डॉक्यूमेंट जो है वो प्लेंट होती है, वो प्लेंट बोलते हैं हम उसको। जब वो रिटर्न डॉक्यूमेंट कोर्ट में दिया जाता है तो उस प्लेंट की कॉपी को डिफेंडेंट को भेजा जाता है। डिफेंडेंट तो आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको डिफेंडेंट कौन होता है। डिफेंडेंट वो बंदा होता है जिसके अगेंस्ट केस किया जाता है। तो प्लेंटिफ ने क्या किया, प्लेंटिफ ने कोर्ट में प्लेंट दी और प्लेंट में अपनी प्रॉब्लम बताई। वो प्लेंट किसके पास जाती है? समन के साथ। समन मतलब काइंड ऑफ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, काइंड ऑफ कॉल ऑफ द कोर्ट। कोर्ट कॉल करता है किसी बंदे को कि आप कोर्ट में आइए। समन का मतलब होता है किसी बंदे को कोर्ट में बुलाना। तो ये जो प्लेंट होती है, जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ी, जो कि रिटर्न डॉक्यूमेंट है, प्लेंटिफ फाइल करता है, ये जो प्लेंट होती है ये समन के साथ, प्लेंट की कॉपी समन्स के साथ कहाँ जाती है? कहाँ जाती है? डिफेंडेंट के पास जाती है। कहाँ जाती है? डिफेंडेंट के पास, जिसके अगेंस्ट केस शुरू हो रहा है, जिसके अगेंस्ट प्लेंटिफ ने प्लेंट में लिखा हुआ है कि डिफेंडेंट ने ये किया, मेरे साथ ये किया, जिसके ऊपर केस शुरू होना है, उसके पास कॉपी जाती है प्लेंट की। और डिफेंडेंट को बोला जाता है कि भाई तुम 30 दिन में अपना रिप्लाई दो, कि तुम क्या करो, जो भी इसमें लिखा हुआ है तुम इसके ऊपर रिप्लाई दो कि क्या ये सच है, क्या तुम इसको मानते हो, एडमिट करते हो या एडमिट नहीं करते हो। अगर करते हो तो हाँ लिखो, अगर एडमिट नहीं करते हो, ये बातें झूठी हैं, तो मना कर दो, ना लिख दो। तो 30 दिन के अंदर रिप्लाई करना पड़ता है। तो जो डिफेंडर रिप्लाई करता है, वो रिप्लाई भी राइटिंग में होता है, रिटर्न स्टेटमेंट होती है वो। तो जो रिप्लाई होता है वो होती है रिटर्न स्टेटमेंट। वो क्या होती है मेरे दोस्तों? रिटर्न स्टेटमेंट। आई होप आपको जनरल सा समझ आ गया होगा कि रिटर्न स्टेटमेंट क्या होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि रिटर्न स्टेटमेंट इज रिप्लाई ऑफ द डिफेंडेंट ऑफ द प्लेंटिफ। रिटर्न स्टेटमेंट इज रिप्लाई विच इज गिवन बाय द डिफेंडेंट, विच इज अ रिप्लाई ऑफ प्लेंट ऑफ प्लेंटिफ। प्लेंटिफ ने जो प्लेंट डाली थी कोर्ट में, उसका जो रिप्लाई होता है वो रिटर्न स्टेटमेंट होती है। आपको आई होप समझ आ गया होगा। तो इट इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट, पहली बात, इट इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट एंड फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट इन द कोर्ट ऑफ लॉ इन विच डिफेंडेंट गिव्स रिप्लाई, इन विच डिफेंडेंट गिव्स reply of plaint of plaintiff, plaint of plaintiff। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न ऑर्डर, रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो कि डिफेंडेंट कोर्ट में पेश करता है, जिसमें वो प्लेंटिफ की प्लेंट के रिप्लाई देता है। जो प्लेंटिफ ने प्लेंट लिखी होती है उसके रिप्लाई देता है। अब अगर मैं बात करूँ ऑर्डर की, तो ऑर्डर 8, जो ऑर्डर 8 है सीपीसी का, वो डील करता है रिटर्न स्टेटमेंट से। जैसे ऑर्डर 7 प्लेंट से डील करता था ना, तो ऑर्डर 8 डील करता है सीपीसी का रिटर्न स्टेटमेंट से। तो अब हम पढ़ेंगे इसेंशियल्स ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट। इसेंशियल्स क्या हैं? इसेंशियल्स बोल लो या आप पर्टिकुलर्स बोल लो, या आप पर्टिकुलर्स बोल लो। क्या पर्टिकुलर्स होते हैं एक प्लेंट के, एक रिटर्न स्टेटमेंट के? प्लेंट तो हमने पढ़ रखी है, रिटर्न स्टेटमेंट के क्या पर्टिकुलर्स होते हैं? मेरे दोस्तों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कर दें। मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये चैनल आप लोगों के लिए है। शेयर करें मेरे चैनल को, मेरे इस काम में अपनी हेल्प करें प्लीज़। मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक जरूर किया करें, और लॉ और सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तो सबसे पहले जो इसेंशियल है रिटर्न स्टेटमेंट की, वो होता है सबसे पहले कोर्ट का नाम, कोर्ट नेम, या फिर नेम ऑफ द कोर्ट बोल सकते हो आप। दूसरा, जो आप लिखते हो रिटर्न स्टेटमेंट में, रिप्लाई में जो पर्चा सा बनता है, उसमें सबसे पहले कोर्ट का नाम आता है। फिर नेम ऑफ पार्टीज का मतलब है प्लेंटिफ का नेम, डिफेंडेंट का नेम, एंड एड्रेसेस ऑफ पार्टीज। एड्रेसेस बोल लो या पर्टिकुलर्स बोल लो कि प्लेंटिफ का पूरा नाम और एड्रेस, डिफेंडेंट का पूरा नाम और एड्रेस,
दूसरा ये आता है। तीसरा जो पॉइंट है मेरे दोस्तों, यस सूट नंबर, जो केस चला है, जो प्लेंटिफ के पास प्लेंट गई है, वो नंबर क्या है, सूट नंबर क्या है। चौथा फिर क्या करेगा डिफेंडेंट, डिफेंडेंट इस रिटर्न स्टेटमेंट में प्लेंटिफ की प्लेंट के पैरा वाइज रिप्लाई करेगा, पैरा वाइज रिप्लाई, पैरा वाइज रिप्लाई ऑफ प्लेंट, रिप्लाई ऑफ प्लेंट, जो प्लेंट है उसके रिप्लाई किए जाएंगे। सबसे पहले प्लेंटिफ ने जो लिखा होगा उसका रिप्लाई किया जाएगा। अगर प्लेंटिफ ने सबसे पहले पॉइंट में लिखा है कि डिफेंडेंट मेरे घर के पास रहता है और इसने मेरी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में कर लिया है, तो अगर डिफेंडेंट इस बात को मानता होगा तो वो लिखेगा यस एडमिट मैंने किया प्रॉपर्टी इसके अपने कब्जे में, और अगर उसने ऐसा नहीं किया होगा तो वो डिनाई कर देगा। इसके साथ ही हर एक पैरे का, जो भी प्लेंटिफ ने पैरे लिखे होंगे, जिसको वो मानता है सच है तो वो उसके लिए आगे एडमिट लिख देगा, और जिसको जिस पैरे को मानता है वो झूठ है उसे वो डिनाई कर देगा, टोटली डिसएग्री, टोटली डिनाई दिस फैक्ट, वो मना कर देगा। और पांचवें पॉइंट में वो अपनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे सकता है, जो उसने रिप्लाई किए उसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन उसने देनी है, किसने, डिफेंडेंट ने, वो उसको इन्फॉर्मेशन को भी दे सकता है। फिर लास्ट में वो अपने साइन करता है, सिग्नेचर करता है और वो रिटर्न स्टेटमेंट दे देता है, कोर्ट में भेज देता है। और दोस्तों एक बात याद रखना कि जो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल की जाती है ना वो 13 दिन के अंदर फाइल की जाती है, जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो फाइल जो की जाती है वो 13 डेज के अंदर, सॉरी 30 दिन के अंदर वो फाइल की जाती है। ये 30 दिन के अंदर फाइल ना हो तो 90 दिन तक कोर्ट जो है वो टाइम बढ़ा सकता है कि भैया आप अगले 15 दिन में रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दो, नहीं फाइल करी, अगले 15 दिन में कर दो, नहीं फाइल करी, और अगले 15 दिन में नहीं फाइल करी, टोटल 90 दिन तक जो है कोर्ट इसको बढ़ा सकता है टाइम को, किस टाइम को, रिटर्न स्टेटमेंट को कोर्ट में फाइल करने के लिए जो टाइम है। लेकिन अगर फिर भी रिटर्न स्टेटमेंट फाइल ना हो ना तो क्या करता है कोर्ट, कोर्ट एक्स पार्टे डिक्री पास कर देता है। मेरे दोस्तों इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, लीगल टर्म एक्स पार्टे डिक्री। इसका मतलब क्या होता है कि प्लेंटिफ ने जो लिखा हुआ था अपनी प्लेंट में कोर्ट उसको सच मान लेता है और प्लेंटिफ ने जो लिखा है प्लेंटिफ के फेवर में डिक्री सुना देता है, क्योंकि डिफेंडेंट ने अपना रिप्लाई नहीं दिया, डिफेंडेंट को सुनने का मौका मिला, डिफेंडेंट को बोलने का मौका मिला, कोर्ट में प्रेजेंट होने का मौका मिला, अपनी ये जो प्लेंटिफ एलिगेशन लगा रहा है, प्लेंटिफ जो बात बोल रहा है उसको, उसके अगेंस्ट कुछ बोलने का मौका मिला, पर डिफेंडेंट नहीं आ रहा कोर्ट में, तो प्लेंटिफ क्या, तो कोर्ट क्या करेगा, प्लेंटिफ की बात को सच मान के एक्स पार्टे डिक्री पास कर देगा और प्लेंटिफ के फेवर में डिक्री पास हो जाएगी। आई होप मेरे दोस्तों आपकी वीडियो समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस एंड आल्सो स्टे होम स्टे सेफ, देन थैंक यू वेरी मच।